बस ओके ठीक है भाई। बाय देव, वो तो उस तरफ चले गए, तुमने इस तरफ गाड़ी क्यों मोड़ ली? अरे सवाल बहुत कर रही है यार, व्हाट आर यू डूइंग? किडनैप कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है? देव ये तुमने ठीक नहीं किया, हां सब क्या सोच रहे होंगे कि हम कहां गए? सोचेंगे तो तब अगर मैं तुम्हें सीधा घर ले जाऊंगा। उन्हें तो लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो गई हम दोनों के बीच में। पर तुम मुझे ये बताओ, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए तुम? सावन में बादल क्यों छाते हैं? पम्मी, हमारे रिश्ते का मौसम बदल रहा है। चिलचिलाती धूप सहने के बाद अब कहीं जाके हमारी किस्मत में काली घटाएं आई हैं। तुम नहीं चाहती कि ये बादल बरसे और हम लोग भीग जाएं इसमें? नहीं देव, प्लीज। क्यों? अरे तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? हम लोगों की सगाई हो गई है। तुम बहुत मेहनत करवाती हो यार। मम्मी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ फासला बढ़ता जा रहा है। इस बार चंडीगढ़ लौटने के बाद तुमने कितने कम फोन किए। देव, पता नहीं देव, इस रिश्ते पर जो एतबार हुआ करता था वो कहीं चिंता जा रहा है। मेरे दिल में भी पता नहीं कैसे कैसे डर कर कर चुके, लेकिन जब तुम्हारे साथ होता हूं तो सारे के सारे डर पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। पम्मी, हम लोगों के जीवन का सिर्फ एक सच है कि मैं तुमसे और तुम मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और हम दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं चल सकता। पम्मी, हम दोनों एक दूसरे से कुछ इस कदर जुदा रहे कि छटपटा कर एक दूसरे से मिल जाना चाहते हैं। हमें ना जल्दी शादी कर लेनी चाहिए और फिर कोशिश करनी चाहिए कि जब तक शादी होती है तब तक एक दूसरे के जितना करीब रह सके हम लोग रहे। देव, तुमने मुझे याद दिलाया था कि हमारी सगाई हो चुकी है। डेंगे के रूम में, ये सैम के रूम में, हाँ ठीक है ले जा, और ये पम्मी के रूम में और ये मेरे रूम में रख देना। परजाई जी चाय। अरे कुलजीत है, तूने क्यों तकलीफ की? अभी मैं चाय बनाने जा ही रही थी। अगर बगल घर होने का यही तो फायदा होता है कि चूल्हा किसी भी घर में जले काम दोनों घरों का चल जाता है। लेकिन आज शाम का डिनर इस रसोई में बनेगा। परजाई जी ये क्या, आपने आते ही ये सब? देखो भाई, मैंने सिर्फ इस रसोई की बात की थी, डिनर तो तुम बनाओगे। अरे तेजी, ये पम्मी और देव अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये लो अपना वक्त भूल गए,
ऐसे सिचुएशन में क्या आप सीधे घर आ जाया करते थे? आप भूल रहे हैं कि आपकी बेटी की मंगनी हो चुकी है। मैं बाबूजी को चाय देकर आती हूं। राकुल जी मैं ले जाता हूँ। आशाबाश तेजी, कल परसों में देव के घर जाकर उसके पेरेंट्स को शादी की तारीख बता दो। जी लीजी, उन्होंने तो सब हम पर ही छोड़ा हुआ है। मैं तो समझती हूँ कि देव ने बता ही दिया होगा कि 30 तारीख डेट तय हो चुकी है। पर जाई जी, शादी की तारीख पहले कल की तय कर लो, सारी तैयारी की जिम्मेदारी मेरी। क्यों कुलजीत? क्या बात कर रहे हैं सतीश भाई साहब, नहीं नहीं इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं, कितनी तैयारियाँ करनी है हमें, अरे सेरेमनीज भी तो कितनी है। मैं तो समझती हूँ कि बीजी ठीक कहती हैं, हमें फॉर्मली जाके देव के घर पे डेट बता ही देनी चाहिए, है ना? बहुत चंगा भरजाई जी। अच्छा सुनो बीजी, मैं क्या कह रही थी कि हम जाएंगे तो सही, पर हमें क्या ले जाना चाहिए? मतलब सगन मिठाई के डिब्बे को ले जाओगे, खाली हाथ तो जाओगे नहीं। और जितना दिल चाहे। जी किस सोच में पड़ गए? आओ चाय चाय पियो, आओ। आ जाओ पुत्र जी, आ जाओ। जिंदे रहो जानिया मानो। और फिर नया प्रोजेक्ट क्या चल रहा है? नहीं बाबूजी, कोई नहीं। यार तू तो ना ऐसे कर रहा है जैसे चंडीगढ़ में नया प्रोजेक्ट लगाना कोई गुनाह है। आप ही बाबूजी। ना कुलजीत कह रही थी कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तू लगाने की बात सोच रहा है। अच्छा वो, हाँ बाबूजी कुछ प्लानिंग तो कर रहा हूँ, पर पता नहीं कामयाब होता हूँ कि नहीं। प्लानिंग अच्छी होगी तो कामयाबी भी मिलेगी, क्यों जयंदे? बस आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी। आशीर्वाद तो है ही पुत्र। अच्छा हमारी बच्ची सिमरन का क्या हाल है? आपको तो पता है बाबूजी, खुराना की कोई गारंटी तो है नहीं कब करवट बदल ले। वैसे सिमरन को बड़े प्यार से लेके गया है वो। अच्छा बाबूजी आप एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है कि सिमरन के ससुराल वाले इतने सीधे हो गए हैं? जी आपने कुछ किया था? पुत्र कमबख्त हमारी बच्ची को डिवोर्स देने की बात कर रहे थे। तलाक? क्यों? बेसिकली लालची बंदा है, तरह तरह के ड्रामे करता है सतीश से पैसा हथियाने के लिए। तू तो शादी पे आया नहीं सिमरन की, वो ड्रामे किए कि क्या बताऊं तुझे। अब की बार ये नया ड्रामा खेल दिया उसने कि हम तलाक देंगे। तो मैंने कहा इसको भी जरा सेट करना ही होगा। फिर पंजाबी में कहते हैं ना, जेहो जा मुंह ते ओह जी चपेड़। बस फिर मैंने लंदन से फोन किया, मैं कहा हाँ जी खुराना साहब ऐसा है, हम ना अपने होटलों की ब्रांचेस खोल रहे हैं इंडिया में, तो सतीश तो रहता है बिजी, तो अगर आप और राज हाँ करो तो फिर सोचते हैं। बस फिर हो गया काम। वैसे बाबूजी कमाल का आइडिया ये। जिंदर भाजी अगर हम कैंट होटल की ब्रांचेस यहाँ इंडिया में खोलें तो हंगामा हो जाए। और शुरुआत चंडीगढ़ से ही करते हैं, अपने पास 200 एकड़ जमीन या एमी पड़ी है और मेरे पास पार्टी तैयार है जो कोलैबोरेशन करने को राजी है। बस एक बार आप हाँ बोलो, परसेंटेज जो आप बोलो। तो पाजी कब कराऊं आपकी मीटिंग? पुत्र जी पम्मी की शादी हो जाए फिर मीटिंगें करनी है। बाद में वक्त ही वक्त है। वो ऑफिस में सूर्या होटल का एग्जीक्यूटिव आया था, श्रीवास्तव ने मीटिंग के लिए बुलाया। अच्छा जी, जी बबल जी बाबूजी क्या चाहिए था पुत्र? नहीं नहीं बाबूजी पैसे नहीं चाहिए कुछ। नहीं नहीं शर्म नहीं करी, बोल। ऑफिस से कुछ काम था बाबूजी, पैसे नहीं चाहिए। श्योर थैंक यू, चलता हूँ। अच्छा बाबूजी इजाजत दियो। बैठ ना यार। नहीं बाबूजी ऑफिस से मैसेज आया है, कुछ काम है, एक चक्कर मार के आता हूँ। अच्छा सत श्री अकाल जी, तेरा बाबूजी बैठ। अरे लो पम्मी और देव भी आ गए, आइए आइए। अरे बाबूजी वेरी सॉरी, वो लेट हो गया। मैं कल खराब हो गया होगा यार, या फिर टायर पंचर हो गया होगा। नहीं जी कमाल हो गया, वो रस्ते का कंफ्यूजन हो गया इधर उधर। पीछे देख के मोटरसाइकिल चलाओगे तो रस्तों का कंफ्यूजन तो होगा ही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।